हे एवरीवन, आप सबको मेरे किचन में स्वागत है। आज एक लंच रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो लंच थाली मैं बना रही हूँ, इसके अंदर कोई भी ऑनियन या गार्लिक का यूज नहीं किया। ये सब रेसिपी इतना ज्यादा टेस्टी होता है, बच्चे से बड़े सभी खुशी से खाते हैं। थाली में कैरेट वाली जीरा राइस बनाया और उसके साथ टमाटर वाली तूर दाल बनाई। और ये दाल के साथ बैंगन की भाजी बहुत ही टेस्टी लगता है। धनिया पत्ता डाल के ये पनीर की सब्जी और उसके साथ ये फूली फूली पूरियां खाने में एकदम जबरदस्त। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेट वाली जीरा राइस। तो इसे बनाने के लिए इस बोल के अंदर एक कप बासमती चावल ले लिया। अभी इस चावल को मैं वाटर डाल के अच्छा से क्लीन कर लूंगी। अच्छा, बासमती राइस को जब आप क्लीन करेंगे, ऐसे हल्के हाथों से उसको क्लीन कीजिए, नहीं तो ये राइस टूट जाता है। इस राइस को मैंने रनिंग वाटर में अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी राइस को मैं वाटर डाल के 20-30 मिनट्स के लिए भिगो के रखूंगी। तो राइस जब तक भीग रहा है, बाकी का प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो पतीला बैठा है, इसी के अंदर हम लोग राइस को कुक करेंगे। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसके अंदर एक बड़े इलायची और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा, मैं एक मीडियम साइज का कैरेट को टुकड़ों में काट कर लिया, इसे भी ऐड करेंगे। 30 सेकेंड के लिए कैरेट को भून लेंगे। फिर इस पैन के अंदर मैं राइस डाल दूंगी। एक्चुअली राइस को भीगते हुए यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया, तो राइस का पूरा पानी निचोड़ के मैं इस पैन के अंदर ऐड कर दिया। बहुत ही हल्के हाथों से इस राइस को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। राइस जैसे कि पहले से भीगा हुआ, तो इसीलिए इस राइस के अंदर 1 कप भर के पानी डालेंगे और 1 कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे। मतलब 1 कप और 1/3 कप पानी मैंने ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल देंगे। और ये जैसे ही बॉइलिंग स्टेज पे आएगा, मैं इसको लीड लगा दूंगी। लीड लगा के इसको मैंने 5-6 मिनट्स के लिए बॉईल किया। देखिए, राइस पहले से भीगा हुआ था और मैं मीडियम फ्लेम में राइस को कुक किया। राइस यहाँ पे एकदम रेडी हो गया। तो राइस को मैं साइड पे रख दूंगी, ढक के रखूंगी, क्योंकि राइस ठंडा होना नहीं चाहिए। सर्दी में गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग होता है। चलिए, टमाटर डाल के जो मैंने तूर की दाल बनाई, उसका भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर को मैं राफली चॉप कर लिया और उसी के साथ एक ग्रीन चिली भी ले लिया। सारे चीज मिक्सिंग जार के अंदर ऐड कर दिया और इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया। टमाटर के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए पेस्ट करते समय एक्स्ट्रा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे अच्छा से ब्लेंड हो गया, तो मैं अभी इसको साइड पे रख दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैंने तूर दाल बनाई ना, तो इसके लिए 1 कटोरी तूर दाल मैंने ले लिया। ये तूर दाल को बड़ा बोल के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होता है, तो मैं अच्छा से इसको क्लीन कर लूंगी। दाल को यहाँ पे अच्छा से घिस घिस के क्लीन कर रही थी, पर मैंने सोचा चलिए इसको रनिंग वाटर में अच्छे से क्लीन करके लाते हैं। तो इस दाल यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गया। तो इस दाल को मैं प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि इस दाल को मैं प्रेशर कुक करूँगी। दाल के अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 2 ग्रीन चिली ऐड कर दिया। 1 कप दाल लिया, तो उसका 4 गुना वाटर मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर बैठा देंगे और इसका 4 सीटी आने देंगे। मतलब 1 सीटी हाई फ्लेम में और बाकी 3 सीटी लो फ्लेम में। 1 सीटी जैसे ही आ जाएगा, मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और तब तक मैं बैंगन की भाजी बना लेती हूँ। इस सर्दियों में ना, मार्केट में सब्जियाँ बहुत ही फ्रेश मिलते हैं। पूरा बैंगन यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, आधा बैंगन का यूज़ करेंगे। तो बैंगन को काटने के बाद मैं प्लेट के ऊपर ले लूँगी। चलिए, बैंगन को भी हम मैरिनेट करते हैं हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट से। बैंगन को मैरिनेट करने के बाद 1 मिनट के लिए इस बैंगन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर इसका आप भाजी बना लीजिए। तो बैंगन का भाजी बनाने के लिए गैस के ऊपर जो पैन बैठाया, इस पैन के अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी, क्योंकि बैंगन का भाजी मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही टेस्टी बनता है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इस ऑयल के अंदर बैंगन को ऐड कर देंगे। बैंगन को ऑयल में एक बार अच्छे से मिला देंगे और इस बैंगन को कवर लगा के हम 3-4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे।
बीच बीच में एक दो बार बैंगन का कवर हटा के बैंगन को पलट लीजिए। देखिए बैंगन यहाँ पे अच्छे से कुक हो गया, तो पूरे बैंगन मैं एक प्लेट के अंदर उठा के रख दूंगी। और दाल का भी यहाँ पे चार सीटी कंप्लीट हो गया और प्रेशर कुकर का पूरा प्रेशर भी निकल गया। तो प्रेशर कुकर को ओपन करके मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए दाल यहाँ पे पूरा गल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, दाल में एक तड़का लगाएंगे। तो दाल में तड़का लगाने के लिए जो बैंगन का पैन था उसी पैन के अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इस पैन में एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और उसी के साथ दो सूखी मिर्च भी ऐड कर देंगे। जीरा और मिर्च को 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि हमें सूखे मसाला ऐड करना है। आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच छोले मसाला ऐड कर दिया। ये छोले मसाले की वजह से दाल का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। अभी टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो सारे पेस्ट ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। दाल में पहले से ही सॉल्ट डाला हुआ है तो दोबारा मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। पैन का लीड लगा देंगे जैसे सारे मसाला अच्छा से भून जाए और मसाला से ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए लीड मैंने उठा दिया और ऑयल कैसे सेपरेट हो रहा है ना, तो मसाला यहाँ पे अच्छा से भून गया है। तो ये पूरा मसाला मैं दाल में ऐड कर दूंगी। ये दाल खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, आप बॉयल राइस के साथ भी ये दाल एंजॉय कर सकते हो। दाल को पूरे मसाला के साथ अच्छे से मिलाएंगे और इस दाल के अंदर धनिया पत्ता ऐड करेंगे। चलिए धनिया पत्ता को भी दाल के साथ अच्छे से मिला लेते हैं और इस दाल को भी हम कवर करके रख देंगे, जैसे गर्मा गर्म खाना मैंने बोला था ना वैसे। बिना प्याज लहसुन का ये पनीर मैं बना रही हूँ, बहुत सारे धनिया पत्ता इसके अंदर ऐड कर दिया, आप रेसिपी चेक कर लीजिए। दो मीडियम साइज का टमाटर, चार ग्रीन चिली और एक इंच अदरक को टुकड़ों में कट कर लिया। अभी ये सारे चीज मिक्सिंग जार के अंदर ऐड करेंगे और इसी के अंदर इस प्लेट को भर के मैं धनिया पत्ता ले लूंगी। ये पूरा धनिया पत्ता मैं इस मिक्सिंग जार के अंदर ऐड करूंगी, इसी से पनीर का स्वाद आएगा। मिर्च को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट धनिया पत्ता इसी क्वांटिटी में आप ले लीजिए। तो इसे भी ब्लेंड करते समय आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड मत कीजिए। देखिए पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हम पनीर को भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे 200 ग्राम मलाई वाली पनीर है, आप चाहो तो नॉर्मल वाला पनीर या घर के बना हुआ पनीर भी ले सकते हो। पनीर जिस शेप में आपको पसंद है उसी शेप में आप कट कर लीजिए। मैं ना यहाँ पे पनीर को क्यूब शेप में कट कर लिया। तो पूरा पनीर काट होने के बाद मैं वापस से प्लेट के अंदर ले लूंगी क्योंकि इस पनीर को हमें मैरिनेट करना है। तो इस पनीर में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। अच्छा सारी चीज मिलाने के बाद इस पनीर को भी आप 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए क्योंकि इस पनीर के अंदर सॉल्ट अच्छे से घुस जाएगा। तो अभी इस पनीर को हम फ्राई करेंगे, तो इसीलिए पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं पनीर को भी ऐड कर दूंगी। आपको अगर लगे पनीर ज़्यादा फ्राई होने से पनीर थोड़ा चुई हो जाता है तो उसी स्टेज में पनीर को फ्राई होने के बाद आप गर्म पानी में भिगो के रखिए, तो पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो पूरा पनीर यहाँ पे फ्राई हो गया, तो मैं इसी पैन के अंदर वापस से थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी। कुछ खड़े मसाले इस पैन के अंदर हम ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग और आधी छोटी चम्मच जीरा। 30 सेकेंड के लिए सारी चीज़ों को हम भून लेंगे, फिर गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और जो मसाला पेस्ट हमने बना के रखा था ना, जो धनिया पत्ता का पेस्ट, वो पेस्ट अभी पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट भी ऐड करेंगे और इस मसाला को हम कवर करके कुक करेंगे जैसे इस मसाला से ऑयल सेपरेट हो जाए। इस मसाला को जब आप भुनेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके रखिए। आफ्टर 2 मिनट्स बाद इस लीड को मैंने उठा लिया। देखिए मसाला से ऑयल अच्छा से सेपरेट हो गया, तो इसी स्टेज में मैं कुछ पाउडर मसाला ऐड करूंगी। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर यहाँ पे ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। पाउडर मसाला ऐड किया इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इन मसालों को हम वापस से भून लेंगे। इन सारे मसालों से जैसे ही ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा उसी स्टेज में आप मसाले के अंदर गर्म पानी ऐड कर दीजिए।
आपको जितना ग्रेवी इस पनीर की सब्जी में चाहिए उतना पानी आप ऐड करिए। ये पनीर की सब्जी ना इतना टेस्टी बनता है, आप रोटी या पराठे के साथ ये पनीर की सब्जी एंजॉय कर सकते हो। तो पनीर को भी मैं पैन के अंदर ऐड कर दिया और पूरा ग्रेवी के साथ पनीर को मिला लिया। अभी लो फ्लेम में ढक के मैं इस पनीर को 2 मिनट के लिए कुक करूंगी, जैसे पनीर के अंदर अच्छा से ग्रेवी घुस जाए। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद इस लीड को हम उठा लेंगे और इस पनीर के सब्जी के अंदर कुछ चीज़ और ऐड करेंगे। 2 स्लिटेड ग्रीन चिली ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया। लास्ट में इस पनीर के सब्जी के अंदर 1 टुकड़ा बटर ऐड करूंगी। बटर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो धनिया वाला पनीर की सब्जी यहाँ पे रेडी है। तो इस पनीर के सब्जी को भी मैं ढक के रख दूंगी, जैसे ये पनीर की सब्जी ठंडा ना हो जाए। तो हम लोग फटाफट पूरी बना लेते हैं। ये पूरी आज मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी। तो इस थाली के अंदर 1 बोल गेहूं के आटा ऐड कर दिया और इसी के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा अजवाइन को ऐसे हाथों से घिस के इस आटे में मिक्स करूंगी और उसी के साथ 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल भी ऐड करूंगी। आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए सारे चीज़ यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे ना मोयन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाला है। पूरी थोड़ा खस्ता होता है तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटा को हम गूंथ लेंगे। बिना प्याज लहसुन वाला ये घर का सादा खाना आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। डो यहाँ पे रेडी हो गया। तो डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, पूरी के लिए डो ना हम थोड़ा कड़ा लगाएंगे। 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल इस डो के ऊपर लगा देंगे और इसको कवर करके 15-20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये जब तक रेस्ट पे है मैं बाकी का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। गैस के ऊपर जो कढ़ाई बैठा है तो कढ़ाई के अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और हम आटा का डो चेक कर लेते हैं। तो आटा का डो जो मैंने गूंथा था ना पूरी के लिए, उसको रेस्ट लेते हुए 20 मिनट्स यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। तो मैं इसको वापस से और एक बार गूंथ के छोटा छोटा लोइया तोड़ लूँगी। पूरी का लोई रोटी से थोड़ा छोटा होता है। देखिए इस लोई को मैंने गोल कर लिया, अभी हम इसको बेल लेते हैं। पूरी को बेलने के लिए ऑलवेज आप ऑयल का यूज़ कीजिए। सूखा आटा का यूज़ करेंगे तो पूरी जिस ऑयल में हम लोग फ्राई करते हैं ना वो ऑयल जल्दी से गंदा हो जाता है। पूरी जब भी आप ऑयल के अंदर डालेंगे ऑयल यहाँ पे धुएंधार होना चाहिए। पूरी को ऐड करने के बाद 10 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए, फिर एक स्पैचुला लेके पूरी को प्रेस करिए। देखिए पूरी अच्छा से फूल जाता है। पूरी फूलने के बाद मैं इस पूरी को पलट दूंगी, फिर अलट पलट के हम पूरी को फ्राई कर लेंगे। पूरी जैसे ही फ्राई हो जाएगी मैं इसको एक थाली के ऊपर उठा के रख दूंगी। तो सेकेंड पूरी भी मैंने ऐसे ही बना लिया। देखिए 2 पूरी यहाँ पे रेडी हो गया। तो मैं अभी ना प्लेटिंग कर देती हूँ। तो प्लेट के ऊपर पहले मैं कैरेट वाली जीरा राइस रखूँगी, फिर बैंगन का भाजी जो बनाया था उसको भी रख दूंगी, फिर दाल एंड पनीर की सब्जी को भी हम सर्व कर देंगे और उसी के साथ पूरी को भी मैं थाली के अंदर रख दूंगी। तो ये भेज थाली हमारा रेडी हो गया। इस सर्दियों में ये गर्मा गर्म भेज थाली का रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो थाली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये घर का सादा खाना आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।